हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विजया और आज मैं आपके साथ हरे टमाटर और हरी मिर्च की बहुत ही टेस्टी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आपके किसी भी बोरिंग खाने के स्वाद को 1000 गुना तक बढ़ा देगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको किस तरह से मैंने बनाया है और इसके लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हरी मिर्च और हरे टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मूंगफली लिया है, 1 चम्मच मूंगफली है, और यहाँ पे 1 कश्मीरी लाल मिर्च है। ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, थोड़ा अच्छा सा कलर आ जाएगा। अभी इसमें एक मीडियम साइज का प्याज है, वो ऐड कर देंगे और सबको पहले थोड़ा सा सूखा भून के तैयार कर लेना है। और अब इसमें ये हरी मिर्चें हैं, 10 से 15 हरी मिर्चें हैं, वो ऐड कर देंगे। ये दो हरे टमाटर है, देसी वाले टमाटर है, ये लेना है। अगर ये नहीं है, आप लाल वाले टमाटर से बना रहे हैं, तो आपको अमचूर ऐड करना पड़ेगा, ये हल्के से खट्टे रहते हैं। और अब इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करेंगे, इसको अच्छे से भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज भी हल्के हल्के से बर्न के निशान आ गए हैं। अभी इसको थोड़ा और फ्राई करना है और अब इस स्टेज पे इसमें 8 से 10 कलियां लहसुन की हैं, उसको ऐड कर देंगे और इसको भी थोड़ा भून लेना है। थोड़ा सा तेल और ऐड कर देंगे। इस चटनी को आप पूरी पराठे के साथ या किसी भी स्नैक्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बन के तैयार होती है। अभी थोड़ा सा इसको और फ्राई करना है। प्याज लहसुन टमाटर सभी में एकदम अच्छे से बर्न के निशान आ जाने चाहिए, उससे जो होता है चटनी में रोस्ट वाला फ्लेवर जो है वो आता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं और इसमें बर्न के निशान जो है वो आ गए हैं। बस इतना ही हमें फ्राई करना है। और ये देखिए, टमाटर के भी छिलके निकलने शुरू हो गए हैं। अभी गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके मिक्सर में मोटा मोटा पीस के तैयार करना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, जिससे इस चटनी का जो है स्वाद और बढ़ जाएगा। तो चलिए पहले इसको ठंडा करके पीस लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से चटनी को मैंने मोटा मोटा पीस के तैयार कर लिया है। और आप देखिए, लाल मिर्च ऐड करने से कितना प्यारा जो है कलर आ गया है चटनी को। सिर्फ उसके लिए ही मैंने लाल मिर्च को यहाँ पे ऐड किया था। अभी सेम कढ़ाई में 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। अभी ये सरसों का तेल गर्म हो गया है, अभी उसमें ये चटनी को ऐड कर देंगे और गैस को ऑफ कर देना है। हमें इस चटनी को पकाना नहीं है, सिर्फ ऑयल के साथ इसको मिक्स कर देना है। और अभी इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है, जिसके बिना चटनी का कोई टेस्ट नहीं आएगा, वो है ये नमक। नमक को इसमें ऐड कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल का प्रपोर्शन आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और सरसों की तेल की जगह आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से इस चटनी का टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो आप एक बार सरसों के तेल को यूज़ करके देखिए, चटनी अचार में उसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारी चटनी जो है वो बन के रेडी हो गई है। आप इसको पूड़ी पराठों के साथ, किसी भी स्नैक्स या पकौड़े के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।